गास्ट की सवारी करने से लेकर लीडर जॉम्बी से लड़ाई करने तक, ये है माइनक्राफ्ट के 15 ऑसम एंड अननोन फैक्ट्स यू डोंट नो अबाउट। माइनक्राफ्ट में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बट क्या तुमने इन चार सीक्रेट पेंटिंग्स को देखा है, जो कि हैं अर्थ, विंड, वाटर एंड फायर। ये पेंटिंग्स हमें सिर्फ कमांड से मिल सकती हैं, और ये है उनकी कमांड। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद जब तुम एंड सिटी को लूटने जाते हो तो वहाँ तुमने एंड रॉड्स तो जरूर चुराई होंगी, पर क्या तुम्हें पता है एंड रॉड्स को तुम कोरस फ्रूट और ब्लेज रॉड से क्राफ्ट कर सकते हो, और ये है उनकी क्राफ्टिंग रेसिपी। माइनक्राफ्ट में टॉर्च के अलावा ब्राउन मशरूम, ड्रैगन एग और एंड पोर्टल फ्रेम भी लाइट इमिट करते हैं। हालांकि ये लाइट बहुत नहीं होती, बट लाइट इज लाइट। माइनक्राफ्ट की कैट्स फॉल डैमेज नहीं लेती, चाहे हम उन्हें कितनी भी ऊपर से गिरा दें या फिर नीचे कोई ड्रिप स्टोन ही क्यों ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक हमारा प्लेयर है, 2-3 ब्लॉक ऊपर से गिरने पे डैमेज ले लेता है। नेदर में हम वाटर प्लेस नहीं कर सकते, बट अगर हमारे प्लेयर की आग लग जाए तो क्या करेंगे। एक्चुअली हम स्प्लैश वाटर बॉटल का यूज कर सकते हैं आग बुझाने के लिए, या फिर हम कोल्डन में वाटर प्लेस करके उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पीछे पिगलिन पड़ जाए तो अपने नेदर बेस में घुसकर अपने आप को सेफ मत फील करना, क्योंकि पिगलिन इतने स्मार्ट होते हैं कि वो गेट खोल सकते हैं और किसी भी बेस में घुस सकते हैं। तो अगली बार से पिगलिन को गुस्सा नहीं दिलाना। अब जब बात हो रही है तो मैं बता दूं कि पिगलिन के एंगर के 3 स्टेजेस होते हैं, लाइट, मीडियम एंड हैवी। लाइट को हम गोल्डन आर्मर पहन के अवॉइड कर सकते हैं, मीडियम में हम गोल्ड ट्रेड करके उन्हें शांत कर सकते हैं, बट हैवी एंगर में वो हम पर अटैक जरूर करते हैं। जॉम्बीज के साथ लड़ने में 5% चांस होता है एक लीडर जॉम्बी स्पॉन होने का, और ये जॉम्बी आसपास से 50-75% ज्यादा जॉम्बीज को अपनी हेल्प के लिए बुला सकता है, और ऐसे टाइम में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। माइनक्राफ्ट में मून के 8 फेजेस होते हैं, और फुल मून के टाइम पे स्लाइम्स डबल स्पॉन होते हैं, स्पाइडर इनविजिबल स्पॉन होती हैं, और 50% कैट्स ब्लैक स्पॉन होती हैं, और न्यू मून के दिन कोई स्लाइम स्पॉन नहीं होता। चलो कम से कम फुल मून के दिन वॉल्फ वेयरवॉल्फ तो नहीं बनता। स्टार्टिंग में ड्राउड कुछ ऐसा दिखता था। ड्राउड का कॉन्सेप्ट बेसिकली हाफ जॉम्बी और हाफ स्केल्टन से लिया गया था, बट धीरे धीरे इसमें सुधार करके इसे ऐसा बना दिया गया जो कि हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में बीज छोटी होने वाली थी, जस्ट लाइक बेबी टर्टल, और ये है बीज की कॉन्सेप्ट आर्ट। बट माइनक्राफ्ट के क्रिएटर्स ने बीज को बड़ा और क्यूट बनाने को अप्रूव किया, और हमें आज बीज ऐसी दिखती हैं। नॉर्मल माइनक्राफ्ट में चिकन एग्स देती हैं, बट माइनक्राफ्ट के वर्जन 2.0 के अप्रैल फूल अपडेट 2013 में चिकन्स ब्लू होती थी और वो एग्स की जगह डायमंड और लैपिस देती थी। राइडिंग ऑन ए गास्ट ग्लिच, एक्चुअली 2015 में एक ऐसा ग्लिच एग्जिस्ट करता था जिसमें हम गास्ट पर बैठ सकते थे, बट हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, पर फिर भी गास्ट को राइड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता। कमेंट डाउन योर थॉट्स। माइनक्राफ्ट में एक सीक्रेट पोर्शन है जिसका नाम अनक्राफ्टेबल पोर्शन है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, हम इसे क्राफ्ट नहीं कर सकते और इसे सर्वाइवल में भी नहीं लिया जा सकता। साथ ही इसे पीने में कोई इफेक्ट भी नहीं मिलता। इससे ज्यादा यूज तो वाटर बोतल का होता है, उससे कम से कम हम मड को तो क्राफ्ट कर ही सकते हैं। स्केल्टन जब स्टार्टिंग में ऐड हुए थे तो उनके पास वो नहीं होता था, और स्केल्टन भी जॉम्बीज की तरह हम पर हाथ से अटैक किया करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।